नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मेरी ये वीडियो जो है, अपने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम से कम समय में, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं, जो कपल्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है और जो ये चाहते हैं कि आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जब आप कोटमारी ऑफिस में आ पाएंगे तो आपका जो समय है वो कम से कम लगना चाहिए। जैसा कि सिर्फ 2 या 2.5 घंटे में अगर आप लोग फ्री अगर होना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है और उसमें क्या चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्या काम आपको करना पड़ेगा, मेरी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज इस विषय में आपको पूरी जानकारी अवश्य मिल पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आजकल जो हमारे पास में कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, लड़का और लड़कियों के, वो हमें ये बोल रहे थे कि सर आपने बोला है कि आप 3 से 4 घंटे में आप लोग फ्री करेंगे मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा कर हमारी गाज़ियाबाद से, लेकिन हमारे पास में 4 घंटे का समय नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 2 या 2.5 घंटे में ये सारा काम हो जाए और कम से कम हमारा समय लगे, जिससे कि हम लोग अपनी शादी करने के बाद में, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोग अपने घर जा सकें। तो दोस्तों अगर आप ऐसा अगर चाहते हैं तो इसमें कुछ काम आपको ये करना पड़ेगा। जैसा कि जब आप अपनी कोटमारी ऑफिस के माध्यम से जब आप अपनी शादी करने के लिए अपॉइंटमेंट आप लेंगे, तो अपॉइंटमेंट के समय आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आपका आधार कार्ड आप दोनों का, और लड़का और लड़की जो शादी करना चाहते हैं उनका दोनों का आयु का प्रमाण पत्र जो एज प्रूफ होता है, ये डॉक्यूमेंट्स आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ योर अपॉइंटमेंट, जब आप अपनी बुकिंग आप करेंगे अपॉइंटमेंट की, तो उसी समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर, जिससे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स पहले ही हम लोग तैयार करवा के रखवा देते हैं। जैसे कि जो आपके एफिडेविट्स होते हैं लड़का और लड़की दोनों के, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो हम पहले से ही जो हमारे स्टाफ हैं वो फिल करके रख देते हैं, और जो भी आपकी जो कंप्यूटर टाइपिंग का जो भी वर्क होता है और वो सारा पेपर वर्क हमारे द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा वो सारा पहले ही वो सारा प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो जिससे कि जब आप अपनी शादी करने के लिए, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जब आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आ पाएंगे, तो आपका जो पेपर तैयार करने का जो समय है वो सारा दोस्तों आपका बच जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो समय लगता है वो आपका पेपर प्रिपरेशन में ही लगता है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स जब रेडी करे जाते हैं जब आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं, अपनी शादी करने के लिए आते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले अगर भेज देंगे बुकिंग के समय, तो आपका वो सारा समय बच जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स पहले ही हम लोग तैयार करवा कर रखवा देंगे। तो जब आप अपनी शादी करने के लिए जब कोर्ट मैरिज ऑफिस में आ पाएंगे, तो आप सबसे पहले आप लोग फ्री होंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही आपकी फाइल पूरी बनी हुई होगी। तो वहाँ पर सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर स्टार्ट करवा दिए जाएंगे, उसके बाद में आपकी आर्य समाज मंदिर में आपको लेके जाया जाएगा, वहाँ पर आपकी शादी करवाई जाएगी। आपके आर्य समाज का मंदिर का सर्टिफिकेट जो होगा उसमें भी आपकी डिटेल पहले ही फिल करवा के सब आपका, जब आप बुकिंग करवाते हैं तभी आपकी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके तभी तैयार करवा दिए जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये होता है कि आप निश्चित रूप से 2 या 2.5 घंटे में ही आप लोग फ्री हो जाते हैं जब लोग आप अपनी शादी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय बच जाता है, जिससे कि आप लोग समय से पहले आप लोग फ्री होकर अपनी शादी करके, आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद में, उसके बाद में जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने गाज़ियाबाद में होगा, तो वहाँ मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 2.5 घंटे में आप लोग फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे आपकी शादी में, आपकी मैरिज के रजिस्ट्रेशन में कम से कम आपका समय लगेगा, आपका काफ़ी समय आपका बच जाएगा और आप समय से आप लोग अपने घर भी जा सकते हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद में। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं या और कुछ ऐसी जानकारी है जो कि आप मुझसे जानना चाहते हैं या हमारे स्टाफ से जानना चाहते हैं, तो या तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने प्रश्न अवश्य लिखिएगा, या आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉल करने से पहले समय अवश्य देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने की या उसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोटमारी ऑफिस को आप अपना प्यार देते रहिए और निरंतर निश्चित रूप से हम नई नई वीडियोस बना